Hello, कैसे हैं आप सब वेलकम टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे की हम करेंगे ओके okay? ताकि समझ में तो आए कि मेरे बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया भी है कि नहीं आया है ओके okay? सो so, निकाल लो अपनी कॉपी और पेन और जो जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन उसको उतारते भी जाना ताकि आफ्टर द

हमने पढ़ा था ये चैप्टर में दैट देर आर टू वन टाइप ऑफ एनिमल्स आउट दे वर्क फॉर जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं दोज नोन यहां पे तो क्वेश्चन दिया है कि टेल द नेम ऑफ एनिमल्स हु फॉरेस्ट तो उनका नाम क्या था चिल्ड्रेन उनको हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स वॉट डू यू कॉल यू कॉल

क्या यूज करके खाती है चिल्ड्रन अपनी चोच और आप चोच को क्या बोलते हो यू कॉल इट बीक सो बर्ड्स यूज बीक टू ईट फूड वॉट डू दे यूज दे यूज बीक टू ईट फूड ओके Next, Dash is called King of the Jungle. Jungle ka raja lata hai. Yes, I know you all know the answer of this question. Lion is called the king of the jungle children. So here the answer is lion children. Okay. Next question. Dash is the biggest bird. This is a general question, children. Okay. General knowledge question. You should know. Kaun sa bird kehlata hai biggest bird? So, children always remember. Next time if anyone asks you, which is known as the biggest bird on the planet? Ostrich. Okay. Which is the biggest bird on the planet? And the name is, children, ostrich. Okay. So, yeh. क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट चलते हैं ओके okay. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स कितने लेग्स होते हैं अधिकतर इंसेक्ट्स में इंसेक्ट्स मतलब कॉकरोचेस बी हो गया ओके okay, स्पाइडर्स हो गए और आपके जितने भी आपको फ्लाइज दिखते हैं जितने प्रकार के आपको दिखते हैं इंसेक्ट्स मोस्टली मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं सो चिल्ड्रन रिमेंबर दिस थिंग मोस्ट इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स कितने लेग्स होते हैं दे हैव सिक्स लेग्स ओके then spider have how many legs spider ke paas kitne legs hote their children spider have eight legs how many legs spiders have eight legs children how many eight legs always remember whenever you are seeing the spider always think in your mind that this spider has eight legs how many legs eight legs children okay next question टोटल इज अ डैश एनिमल टोटल देखा है आपने कछुए की तरह होता है चिल्ड्रन और कहा रहता है पानी में रहता है और जो एनिमल पानी में रहते हैं चिल्ड्रन दे आर नोन एज अ रेप वॉटर देन डैश कैन नॉट फ्लाई बट कैन स्विम इन दॉटर ऐसा कौन सा बर्ड है जो और तो नहीं सकता बट पानी में स्विम कर सकता है कौन सा बर्ड है दैट वाइट कलर का बर्ड यस चिल्ड्रन द आंसर इज डग नॉट फ्लाई बट कैन स्विम इन द दॉटर डग इज द ओनली बर्ड चिल्ड्रन हु कैन नॉट फ्लाई बट इजली स्विम इन द वॉटर डैश इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ कौन सा एनिमल बहुत बड़ा है अर्थ में सबसे बड़ा है बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा है सो चिल्ड्रेन नॉट टू फोगेट वेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ कौन सा है वेल वेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ ओके सो ऑलवेज रिमेंबर कोई भी आपसे पूछे बिगेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच और बिगेस्ट एनिमल वेल ओके ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द एनिमल्स विदर हाउसेस है ना आपको एनिमल्स को उनके हाउसेस से मैच करना है कितना सिंपल है ओके हनी बी मधुबखी जो हमें शह देती है मीठा मीठा वो कहाँ रहती है सो चिल्ड्रेन हनी बी लिव्स इन ओके शी लिव्स इन हाइव देन डॉग डॉग का कौन सा घर होता है आपने देखा है डॉग का घर होता है चिल्ड्रन कैनल डॉग लिव्स इन अ देन स्पाइडर स्पाइडर लिव रहता है ये तो सबको पता है स्पाइडर अपना जाल खुद बनाता है चिल्ड्रन स्पाइडर मैन मूवी है ना तो वो क्या कहलाता है स्पाइडर वेब कहा रहता है स्पाइडर स्पाइडर लिव्स इन अ वेब ओके हॉर्स हॉर्स कहा रहता है वो अपने स्टेबल में रहता है चिल्ड्रन ओके हॉर्स लिव इन अ स्टेबल। देन लास्ट लायन लायन अपनी गुफा में रहता है क्योंकि लायन इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल। तो वो अपने सिंहासन में रहता है वो सिंहासन कहाँ होता है द सिंहासन इज इन डेन द लायन लिव्स इन अ डेन। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन यू विल मैच द एनिमल्स देयर हाउसेस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, पुट एनिमल्स इनटू द करेक्ट टेबल आपको करेक्ट टेबल पे ये एनिमल्स को पुट करना है क्यों क्योंकि आपके पास में हर्बीवोरस भी है कार्निवोरस भी है और ओमनी भी है एंड वी लर्न हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट्स कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स विच ईट फ्लैश एंड आर एनिमल्स ईट प्लांट्स प्लांटो एंड फ्लैश ऑल्सो आपको यहाँ से एनिमल्स को निकालना है और सही बॉक्सेस में डालना है ओके गोट गोट कौन सा एनिमल है गोट खाता है सिर्फ पत्तियां ओके okay? प्लांट्स खाता है सो गोट इज अर्स एनिमल चिल्ड्रन गोट इज अर्स एनिमल लेपर्ड लेपर्ड क्या खाता है लेपर्ड खाता है चिल्ड्रन फ्लैश एंड दैट इज व्हाई लेपर्ड इज विच टाइप ऑफ एन एनिमल लेपर्ड इज एन कार्निवोरस एनिमल चिल्ड्रन लेपर्ड इज एन कार्निवोरस एनिमल ओके नेक्स्ट टाइगर जिराफ जिराफ क्या है जिराफ बड़ा तो होता है चिल्ड्रन जंगल में भी रहता है बट खाता क्या है He eats only plants, and that is why giraffe is which type of animal? Herbivorous animal. Giraffe is a herbivorous animal, children. Okay, always remember, although giraffe ka size bohat bada hai, or wild animal be but still he eats plants. Okay, and that is why giraffe will be kept under which column? Herbivorous. Then टाइगर अगेन टाइगर खाता है फ्लैश एंड इज वाई टाइगर सीधा साधा जानवर है बड़ा है तो क्या हुआ बट खाता तो सिर्फ पौधे हैं पेड़ हैं ओके फ्रूट्स खाता है वो एंड दैट इज वाई एलिफेंट क्या बन जाएगा आपका हर्बीवोरस एनिमल ओके So, here I will write down elephant. Next, lion. Okay, lion again is a carnivorous. He is the king of the jungle and he eats flesh. And that is why lion is your carnivorous animal, children. देन डियर डियर क्या है डियर अगेन इज अ बोरस एनिमल क्योंकि डियर भी क्या होता है सिर्फ प्लांट्स खाता है चिल्ड्रन ओके सो डियर को भी हम कहाँ रखेंगे हर्बी पे कैमल कैमल कैसा एनिमल है अगेन चिल्ड्रन कैमल भी क्या होता you know, kind of an है कैमल गिव्स अस मिल्क यू नो कैमल इज आल्सो वन काइंड ऑफ एन एनिमल व्हिच गिव्स अस मिल्क एंड दैट इज व्हाई इट ही ईट्स प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड दैट इज व्हाई कैमल इज आल्सो कंसिडर्ड एज हर्बीवोरस एनिमल कौन सा एनिमल है चिल्ड्रेन हर्बीवोरस एनिमल है ह्यूमन ह्यूमन को मैंने बताया था आपको ह्यूमन प्लांट्स भी खाता है और फ्लैश भी खाता है और इसलिए ह्यूमन कौन सा एनिमल है ओम निवोरस एनिमल है चिल्ड्रन ह्यूमन कौन सा एनिमल है ओम निवोरस एनिमल है ओके नेक्स्ट फॉक्स लोमड़ी क्या है लोमड़ी भी चिल्ड्रन ओमनीवोरस है फॉक्स इज एन ओमनीवोरस एनिमल बिकॉज़ फॉक्स कैन ईट प्लांट्स आल्सो एंड फ्लैश आल्सो एंड दैट इज व्हाई फॉक्स को भी हम कहाँ रखेंगे ओमनीवोरस के कॉलम में रखेंगे देन मंकी मंकी इज आल्सो अ वेजिटेरियन एनिमल इट ईट्स ओनली प्लांट्स एंड दैट इज व्हाई मंकी विल आल्सो कम अंडर हर्बीवोरस एनिमल ओके चिल्ड्रन हर्बीवोरस एनिमल नेक्स्ट बीयर बियर कौन सा एनिमल है बियर चिल्ड्रन ओमनिवरस एनिमल है क्योंकि इट ही ईट्स प्लांट्स आल्सो एंड ही ईट्स एनिमल्स आल्सो एंड दैट इज व्हाई बियर इज आल्सो योर ओमनिवरस एनिमल देन पिग Pig? Kaun sa animal? Hai? Children. Pig is also an omnivorous animal because it eats your plant, plant products also as well as animals. Okay, and that is why pig will also come under omnivorous animal. Chicken. चिकन क्या खाती है चिकन ईट्स योर वेजिटेबल्स ओके एंड दैट इज व्हाई चिकन आपके कौन से कॉलम में आएगा आपके कॉलम में आएगा हर्बीवोरस एनिमल चिल्ड्रन ओके चिकन विल कम अंडर विच कॉलम हर्बीवोरस लास्ट इज योर डॉग सो चिल्ड्रन थिंक डॉग क्या-क्या खाता है डॉग तो खाना भी खा लेता है plants ki products bhi kha leta hai, right roti bhi kha leta hai and also he eats the flesh of other animals also and that is why children dog will come under which column dog will come under omnivorous okay so this is how you will classify the animals according to their food habits so in examination if such question comes where you have to put the animals according to their food habits you will first understand think and then write down the animal's name in the column. Okay. Now, question answers. Name two fibers we get from animals. कोई भी दो आपको बता रहा है fibers का नाम जो हमको animals से मिलता है Also name the animals from which we get these. और उन animals के नाम भी बताना है जो हमको fibers देते हैं So सिल्क एंड वूल आर द टू फाइबर्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स वी लर्न सिल्क के कपड़े होते हैं वुलन क्लोथ्स होते हैं सो दीज आर द टू फाइबर्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स और कौन से एनिमल्स देते हैं वी गेट इट फ्रॉम गोट शीप सिल्कवम ओके आप कोई भी दो एनिमल्स के नाम लिख सकते हो जो हमको फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं ठीक है सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन टू फाइबर्स एनीथिंग यू कैन राइट ऑन सिल्क You can write down wool, you can write down and then write down the names of those animals who give you the fibers children. Okay. Next, name two animals that give us milk. Name three food items made from milk. Very simple question. आपको दो animals का, तो का नाम बताना है जो हमको milk provide करते हैं और तो तीन items का नाम बताना है जो milk से बनता है। ओके okay, बहुत सिंपल है ये तो मुंह जमाने याद होगा बफेलो काउ आर द टू एनिमल्स हु गिव अस मिल्क बफेलो और काउ एनिमल्स हैं वो दो जो हमको क्या देते हैं मिल्क देते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स क्या क्या होता है चिल्ड्रन चीज curd butter are made from milk okay you can write down other things also like paneer you can write down okay so these are the milk products which are made from the milk which we get it from which type of animals milk producing animals like cow buffalo goat camel okay children moving to next question what is the difference between domestic animals and wild animals? क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स में वी लर्न दिस थिंग इन द चैप्टर चिल्ड्रन डोमेस्टिक एनिमल्स कौन होते हैं दे लिव नियर अस सम ऑफ देम लिव ऑन फार्म्स होम्स और पेंस ओके जो जानवर हमारे पास रहते हैं साथ रहते हैं घरों में रहते हैं फार्म्स में रहते हैं वो एनिमल्स क्या होते हैं वो एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स ओके और जो एनिमल्स चिल्ड्रन

ठीक है और इस तरह के एनिमल्स को वॉट डू यू कॉल यू कॉल देम वाइल्ड एनिमल्स ओके एंड दोनि फार्म दोज आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स ओके एंड देन यू हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड यू हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ओके क्लियर हो गया सबको डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स में चिल्ड्रन नाउ यूज द क्लूज टू सॉल्व द एनिमल रिडल्स क्लूज दिए हैं और आपको एनिमल्स का नाम बताना है ओके द फर्स्ट इज आई एम द बिगेस्ट लैंड एनिमल आई कैन कैरी हैवी लोड्स मैं बहुत बड़ा एनिमल हूँ बिगेस्ट एनिमल हूँ और मैं बहुत भारी सामान लेके मूव करता हूँ मैं बहुत वजन लेके मूव करता हूँ कौन सा एनिमल है चिल्ड्रन जो बड़ा भी है और बहुत सारा वजन भी उठाता है एंड द आंसर इज चिल्ड्रन एलिफेंट वॉट इज द नेम ऑफ द एनिमल एलिफेंट आई एम अ टॉल ब्राउन एनिमल डेजर्ट इज माई होम क्लू इज गिवेनिमल टॉल एनिमल एंड लिवस इन दरिया देन आई एम अ लॉन्ग स्लिमी एनिमल माई बाइट कैन बी वेरी डेंजरस मैं लंबा और स्लिम एनिमल हूँ और अगर मैं कार्ड देता हूं तो बहुत खतरनाक हो जाता है कौन सा एनिमल है जिसका जहर से हमको बचना है राइट चिल्ड्रन द एनिमल और इसका बाइट क्या होता है बहुत डेंजरस होता है नेक्स्ट द स्वेटर्स यू वेयर आर मेड ऑफ द हेयर ऑन माय बॉडी जो स्वेटर्स तुम पहनते हो वो मेरे हेयर से बना है मेरी बॉडी के हेयर से बना है कौन सा एनिमल है ये यस चिल्ड्रेन द एनिमल्स नेम इज शीप व्हाट इज द नेम ऑफ द एनिमल शीप जिसके वूल से हम बनाते हैं सुंदर सुंदर क्लोथ्स ओके देन आई एम अ फेरोशियस वाइल्ड एनिमल आई हैव स्ट्राइप्स ऑन माय बॉडी मैं बहुत ही फेरोशियस हूँ खूंखार एनिमल हूँ और मेरी बॉडी में स्ट्राइप्स है विच एनिमल दिस टॉकिंग दे आर टॉकिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट नन अदर देन टाइगर चिल्ड्रेन टाइगर इज अ फेरो बॉडी में क्या होता है स्ट्राइप होती है और वो बहुत खूनखार होता है ओके सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन चिल्ड्रेन रिडल्स आर गिवेन यू विल है टॉकिंग अबाउट ओके तो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ओके okay, तो ये था हमारा इस चैप्टर की वर्कशीट जिसमें हमने किए कुछ क्वेश्चंस इन द ब्लैंक्स मैच फॉलोइंग रिडल सॉल्व किए और आंसर ऑफ द क्वेश्चंस भी किए आपको ये चैप्टर आ गया होगा आप समझ में क्या करना है इस चैप्टर को और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है वर्कशीट बार बार सॉल्व करनी है तब तक करनी है सॉल्व बच्चों जब तक आपके दिमाग में अच्छे से फिट ना हो जाए कि वाइल्ड एनिमल्स क्या होता है डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होता है हरबी क्या होता है कार्वोरस क्या होता है और इस तरह से ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके अब इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर आपको चिल्ड्रन वीडियोस देखने होते हैं और अगर नहीं मिलते हैं चैप्टर वाइज वीडियोस तो क्या करना है गूगल क्रोम में जाके लिखना है डब्ल्यू उसके बाद आपका ये पेज खुलेगा चिल्ड्रन और आपके सारे टीचर्स रहेंगे हर सब्जेक्ट के अब आपको जो भी सब्जेक्ट का टीचर से पढ़ना है यू विल द बटन वॉच नाउ जैसे कि आपको ईवीएस पढ़ना है यू विल क्लिक वॉच नाउ बटन जैसे ही आप वॉच नाउ बटन ईवीएस का प्रेस करोगे चिल्ड्रन आपका पूरा टॉपिक्स सारे टॉपिक सब्जेक्ट के आपके सिलेबस के आपके सामने होंगे देन यू क्लिक एनी ऑफ द चैप्टर एंड योर वीडियो विल स्टार्ट ओके तो दिस इज हाउ इन मेनी ऑफ द वीडियोस यू कैन सी योर ओन चॉइस ऑफ वीडियोस एंड कैन प्रिपेयर योर चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ओके मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नए टॉपिक से शुरुआत तब तक क्या करना है तब तक मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है कैन रिगार्डिंग टू ग्रेट ट्वेल्थ फ्री वीडियोज एंड फ्री एजुकेशन थैंक यू